अदील बड़ाई साहब, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी या हमारे सवाल थे उनकी तस्दीक हो गई अयाज सादिक साहब जो वज़ीर कानून उनसे बात करने के बाद भी, तो काबीना का इजलास फिर आज ही होगा, ऑल सेट टू एड्रेस? जी, काबीना के मेंबर्स को यही कहा गया है कि वो शहर ना छोड़ें, और उनको ये कहा गया था कि सुबह ही कह दिया गया था कि इस बात के इम्कानात हैं कि आज रात को भी इजलास बुलाना पड़ा तो लोगों की अवेलेबिलिटी जो है वो यकीनी हो। तो चूंकि दो रोज़ा दौरे पर वो जा रहे हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी जारी कर दिया है 25 और 26 को, तो अब इसमें अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और ये मामला अगर डिले होता है तो आज ही फिर ये इजलास बुला के वो हल निकालना पड़ेगा। लेकिन हमारे ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ सदर की जो मुलाकात हुई है इसमें सदर को एक और मशवरा भी दिया गया है, और इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि मामला सदर की जानिब से कोई सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाए, क्योंकि जो ये कहा जा रहा है ना जी कि हैंडआउट जारी किया जाएगा, ये वो इंडिकेशंस हैं जिसमें हुकूमत के कान भी खड़े हो गए हैं कि इसका मतलब है कि कोई ऐसी अप्रूवल अभी सदर की वापसी पर फौरी नजर नहीं आ रही है, जो फवाद चौधरी साहब के अल्फाज हैं। तो इस बात के भी इम्कानात हैं, जो सदर को तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया है कि अब देखना होगा कि सदर उस पर किस हद तक इसको तस्लीम करते हैं कि उनके पास इख्तियार है मामलात को सुप्रीम कोर्ट भेजने का, अगरचे उनके पास समरी रिजेक्ट करने का इख्तियार नहीं है और उनके पास ये इख्तियार है रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर इस मामले को कोई उलझाना चाहता है कोई, या इस मामले में कोई कोई इसमें कोई डिले चाहता है तो उसमें फिर ये राय दी गई थी। अब देखना होगा कि उस हैंडआउट में क्या ऐसी चीज आती है कि क्या मुल्क की बड़ी अदालत से रहनुमाई लेने के लिए तो सदर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत से लोगों से ये ब्रेक के दौरान मेरी बात हुई तो तमाम लोग, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, वो यही कह रहे हैं कि अगर इसकी मंजूरी या ऐसी कोई चीज होती तो वो इंडिकेशन दी जाती इनकी जानिब से। जो हैंडआउट जारी करने का ये कहा जा रहा है, इसका मतलब जी जी, ये शामी साहब ने भी सरे दस्त यही नुक्ता उठाया था कि हैंडआउट जारी करने का मतलब ही बजाहिर अभी तक की तशरीह में यही है कि कोई नुक्ता उठाना है, क्यों शामी साहब आप यही फरमा रहे थे? लगता यही है जी। अदील, तो इसमें अब एक और मामला भी है जो वो क्या हुकूमत ये कह रही है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला जो मामला है, अच्छा उसकी भी उस पे भी एक काउंटर क्वेश्चन जो है वो सामने आया है कि ये कोई ऐसी टेन्योर पोस्ट नहीं होती, ये चार्ज दे देने से कोई मुद्दत में तो सी नहीं होती, लेकिन उसमें फिर हुकूमत का सवाल, हुकूमत का इसमें जवाब ये है कि हम तो ऑलरेडी रिटेन कर चुके हैं, अब 27 से आगे वाला मामला एड्रेस हो चुका है, अब मामला ये है कि 29 को कमान की तब्दीली वाला मामला, और वो उसी सूरत में हो सकती है जब सदर उस पर दस्तखत करें। तो अब एक ऐसे वक्त में जब एक दिन बाद इनका लॉन्ग मार्च भी यहां पहुंच रहा है, कल रात तक ये राय पाई जाती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, इवन इमरान खान साहब इस बात पे कन्विंस थे कि हमने इस मामले में कोई रुकावट नहीं डालनी, लेकिन आज जब ये सुबह अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद हंगामी तौर पर जिस तरह सदर मुमलिकत को बुलाया गया और उसके बाद ऐसे लग रहा है कि कोई नई हिकमत अमली, अगरचे वो बयान दे चुके थे कि हमने इस पर खेलना है आइन और कानून में रहते हुए, लेकिन वो इस बात पर कन्विंस हो गए थे कि हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी इस मामले को मुतनाजा बनाने की, इसमें रुकावट डालने की, हमने आगे बढ़ना है। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो इतनी सिंपल नजर नहीं आ रही कि इमरान खान की हद तक, अब देखना होगा कि सदर जो हैं वो वापस आके हैंडआउट जारी करने में कोई सवाल उठाते हैं, ये मामला कोई रेफर करते हैं, क्योंकि ये कहने की जरूरत नहीं थी कि हम हैंडआउट जारी करेंगे, उनका काम सिर्फ इसी वजह से उस एडवाइस की मंजूरी देना। अदील, इसी वजह से आई विल बी रियली सरप्राइज्ड अगर ये स्मूथली अब हो जाता है, अल्लाह करे ऐसा हो, खुशगुमानी ही रखनी चाहिए, लेकिन जो हैंडआउट जारी करने का कहा गया ना उसकी रवायत पहले नहीं है, और शामी साहब इस बात की भी रवायत तो नहीं है कि इस अहम नोयत की इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट के ऊपर इस कदर अनसर्टेनिटी जो है वो टिल द लास्ट मोमेंट प्रिवेल करे। जब बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी तो बहील शरीफ साहब से समरी भी तब नहीं ली गई थी ना उन्होंने भेजी थी, खुद ही प्राइम मिनिस्टर ने एक बंदे का ऐलान किया, सदर के पास गया, समरी दस्तखत हुई और निकल गई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सदर मुमलिकत ने कोई सवाल पूछा हो। उस वक्त सदर कौन था? ममनून सर जी, हाँ जी ममनून सर जी, ममनून सर पहले गए उनके पास, समरी दस्तखत कर दिया उन्होंने, उससे पहले
रफीक तारक साहब थे, एक्सटेंशन के वक्त यही थे, जब इनके दौर में एक्सटेंशन हुई है ना उस वक्त ये थे। हाँ नहीं, उस वक्त तो फिर इमरान खान वजीर आजम थे ना, तो वो तो फिर घर की बात थी ना। अब तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप मुगलों के दौर में वापस चले गए। शाह साहब, ये आपसे मैं, अगर आप इजाजत, कि इस तरह की कैफियत कहते हैं पहले तारी नहीं हुई, लेकिन कोई पॉलिटिशियन, चूँकि आप इनको तवील अरसे से जानते हैं, उसको ये नहीं होता कि जी इस तकर्री को अगर मैं कंफ्यूज करने की या कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करूँगा तो मेरी सियासत पर भी कोई असरात होंगे। नहीं, सियासत किसकी सियासत? मैं इमरान खान साहब की बात करता हूँ, इससे पहले पाकिस्तान में किसी, देखें फौज के सियासी रोल पे बात जरूर हुई, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जुर्मनाना इतराफ़ था। एक ऐसा मौजू आपने छेड़ा है जिस पे घंटू बात होनी चाहिए, दिलचस्प नुकता सलमान साहब ने छेड़ा है, और शामी साहब भी अब बेताब हो रहे हैं कि जवाब दे, लेकिन क्या कीजिए।